साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है खेल से संबंधित ट्रॉफी और कप। आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इससे प्रश्न आने का 100% गारंटी है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें खेल से संबंधित ट्रॉफी और कप से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं टॉप क्वेश्चंस। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पोलो से। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर खेली जाने वाली जो टेनिस प्रतियोगिता है वो है विंबलडन। क्या है? विंबलडन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा कप का संबंध है आपका किससे? तो फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न VBI और सिलेक्टेड है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीरमन कप का संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बैडमिंटन से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो भारत का जो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वो है डुरंड कप। कौन है? डुरंड कप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप का संबंध है किससे? ये भी संबंध है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, डेविस कप का किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न रिपीटेड, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, तो सभी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संबंधित है गोल्फ से। किससे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप का संबंध है आपका किससे? तो यह है हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उबेर कप क्या हो जाएगा? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है किससे? नौकायन से। किससे संबंधित है? तो नौकायन से। अगला प्रश्न है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप का संबंध है पोलो से। किससे है? पोलो से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोनिका कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है? तो ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है वो है इटालियन ओपन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है वेटन कप। कौन सी है? वेटन कप। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? तो वह है थॉमस कप। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। किससे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एसेज। क्या कहा जाता है? तो इसे
इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो ये इसका आयोजन करता है आपका मलेशिया। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंथनी डी मेलो ट्रॉफी किसके बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला से संबंधित है? तो ये संबंधित है इंग्लैंड और भारत से। किससे संबंधित है? इंग्लैंड और भारत से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य तीन बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंट का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? यानी सबसे पहले कौन होता है और सबसे बाद में कौन होता है? सबसे पहले आपका होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है आपका विंबलडन, फिर यूएसए ओपन होता है और लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो लॉन टेनिस से जिसका संबंध है वो है आपका कौन सा? डेविस कप। कौन सा है? डेविस कप, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संतोष कप का संबंध किस खेल से है? तो संतोष कप का संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध है भारोत्तोलन से। किससे? भारोत्तोलन से, वेटलिफ्टिंग से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगा स्वामी कप का संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। अगला प्रश्न, स्टानल कप संबंधित है? तो स्टानल कप का संबंध है आइस हॉकी से। किससे संबंध है? तो आइस हॉकी से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, इंडियन ग्रीन संबंधित है? तो इंडियन ग्रीन का संबंध है किससे? तो चैलेंजर ट्रॉफी से। किससे? चैलेंजर ट्रॉफी से। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो क्रिकेट में नहीं दी जाने वाली ट्रॉफी है राइडर कप, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होल्कर ट्रॉफी का संबंध है किससे? ब्रिज से। किससे है? ये ब्रिज से संबंधित है एक, क्या है? नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसकी रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो रोलैंड गैरोस टाइटल किसे कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। किसे कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है हॉकी और फुटबॉल दोनों से होगा, है ना, हॉकी और फुटबॉल दोनों से, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है मुक्केबाजी के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप का संबंध है किससे? तो ये संबंध है हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो चड्डा कप का संबंध है किससे? हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध है किससे? क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मर्डेगा कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेगा कप का संबंध है किससे? फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर जहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका ये तीनों संबंध है क्रिकेट से। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फीफा का संबंध सभी को पता होगा किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो अमृत दीवान कप का संबंध है किससे? बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा
कप किस खेल से संबंधित है? तो सहारा कप का भी संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका 50 नंबर प्रश्न, वो देख लीजिए। कहता है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध है किससे? तो इसका संबंध है हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईरानी ट्रॉफी तथा जीलेट कप किस खेल से संबंधित है? तो इन दोनों का किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडी बिरला ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से है? तो इसका भी संबंध है क्रिकेट से। किसका किससे संबंध है? इसका भी संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन कप का संबंध है टेनिस से। किससे संबंध है? टेनिस से संबंधित है। इस तरह से हमने टॉप 55 खेल से संबंधित ट्रॉफी और कप से रिलेटेड प्रश्न को देखा। सभी प्रश्न बीबीआई सिलेक्टेड है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।